खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। फोर्थ मास्टर्स गेम और इस गेम में झारखंड के दो प्रतिनिधियों ने, जिसमें कि एक एसीबी में कार्यरत हैं और एक ऐसे एथलीट हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, तो आज हम आपकी मुलाकात इन दोनों खिलाड़ियों से करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, हमारे साथ हैं शिव कुमार दत्त जी, इन्होंने कई स्पर्धाओं में पदक हासिल किया है, साथ ही हैं अजय कुमार नाग जी और इन्होंने स्वर्ण पदक शूटिंग में हासिल किया है। तो दोनों का स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू। शुरुआत अजय कुमार जी से ही करते हैं। ये जो स्पर्धा में आप लोग अभी शामिल हुए जिसमें आपने स्वर्ण पदक हासिल किया, इस स्पर्धा के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएं, हमारे दर्शकों को भी। यह आपका चौथा मास्टर गेम केरला में चंद्रशेखर स्टेडियम में हुआ था जी, और कम से कम 4 से 5 हज़ार पार्टिसिपेट थे पूरा टोटल। उसमें शूटिंग में पिस्टल इवेंट 10 मीटर में जी मैंने इंडिविजुअल में सिल्वर मेडल लिया और टीम इवेंट में गोल्ड मेडल लिया। अच्छा। और इससे पहले भी आप लगातार खेलते रहे? हाँ, इससे पहले 12-15 साल से मैं शूटिंग कर रहा हूँ जी, और शुरू से मैं मेडल लेता ही आ रहा हूँ। और 34वां नेशनल गेम में जी हाँ, जो झारखंड में हुई थी, उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था जी जी। और उसके बाद कुछ घर की स्थिति और फादर एक्सपायर कर गए थे, तो जिम्मेदारी 5-6 साल मेरा बंद रहा। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया जी, और उसके बाद से मैं मेडल लेते ही आ रहा हूँ। बीच में सेकंड मास्टर गेम हुआ था आपका ग्वालियर में जी जी, वहाँ फायर आर्म से 25 मीटर में जी सिल्वर मेडल मैंने जीता था। शिव जी, आप एसीबी में भी कार्यरत हैं और अभी हाल में आपने भी बहुत अच्छी सफलता हासिल की, आप थोड़ा इस टूर्नामेंट के बारे में जिसमें आपने मास्टर्स टूर्नामेंट जो हुआ था, फोर्थ मास्टर्स टूर्नामेंट, इसके बारे में बताएं, और आपने किस किस स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था, किस किस में आपको मेडल मिला, इसके बारे में बताएं। फोर्थ नेशनल मास्टर गेम तिरुवनंतपुरम केरला में जो हुआ जी, चंद्रशेखर स्टेडियम में जी हाँ, उसमें करीब 5 हज़ार आसपास मैंने पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा। और उसमें मैंने एथलेटिक्स में भी शूटिंग में दोनों में भाग लिए थे जी। और सबसे पहला शूटिंग हुआ था मेरा, तो व्यक्तिगत इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल लाया। अच्छा। और टीम इवेंट में मैं गोल्ड मेडल लाया। तो आप और अजय जी साथ में गोल्ड लाए? ना। अच्छा। टीम इवेंट तो मैंने एक साथ ही किए थे हम लोग टीम इवेंट, लेकिन अपना जो एज ग्रुप अपना, जैसे 40+ में मैं खेला तो उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके पहले उसमें तो आया ही, उसके पहले मैं थर्ड मास्टर गेम गुजरात वडोदरा में खेला था ना। अच्छा। तो उसमें सेकेंड प्लेस शूटिंग में आया था मैं व्यक्तिगत इवेंट में, और विक्टोरिया इवेंट में और ट्रिपल जम में सिल्वर मेडल आया था। हाँ। तो उसमें भी आया था, तो वर्ल्ड सिलेक्शन हम लोग को जापान के लिए मिला था, जिसके चलते कोरोना हो चाहे भी बहुत तरह से उसको तत्काल उसको रोका गया जी। और अभी जो हम लोग गेम खेले अभी फोर्थ नेशनल मास्टर गेम्स, इसमें हम लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। और मास्टर गेम्स के जनरल सेक्रेटरी जो विनोद सर हैं जी, तो वहीं पर ग्राउंड में ही हम लोग बोल दिए। हाँ। तो और ऐसे भी फोन में भी जानकारी दिए, तो हम लोग दोनों का मास्टर मैंने गेम्स में जो एशिया मास्टर गेम्स में जो हो रहा है अभी कोरिया में, तो उसमें तुम लोग का सिलेक्शन हो गया, यानी बहुत अच्छी। तो मैं सौभाग्य मान रहा हूँ कि अपने आपके दोनों गेम में मुझे चांस मिला जी। हाँ, आपने तो तीसरा भी खेला और चौथा भी। हाँ, चौथा भी खेला जी। उसके पहले मैं मास्टर एथलेटिक्स एशियाड खेला था मलेशिया में। अच्छा। उसमें भी बादौड़ में अच्छा ही रहा था, 4 प्लेस लगा था उसमें। अच्छा। तो अच्छा, किसी कारण बस कि मेडल नहीं दे पाया कि कोई बात नहीं। हाँ, खिलाड़ियों तो के लिए ये मौके मिलते हैं। मेडल नहीं दे पाया कि बेसिक अच्छा ही प्रदर्शन अच्छा ही था मेरा जी जी, तो मेडल नहीं दे पाया कि मेरा
जिस पैर में खिंचा हो गया अचानक, अच्छा, तो लास्ट जंप जो होता है हडल, तो उसको जंप करने में थोड़ा दिक्कत हुआ, तब तक तो तीन काट के हमको निकल गए, तब फिर फोस्ट आए, तो उसमें भी उदास नहीं हुए हम, बिल्कुल फिर, बिल्कुल फिर आपस हम आए, तो हम लोग अच्छा से तैयारी करना है जी, तो उसमें फिर बीच में लॉकडाउन लग गई जी। हाँ, मुश्किल, हाँ, ये लॉकडाउन जो है ना, हाँ, उन्होंने खिलाड़ियों के जीवन पर थोड़ा असर डाला था, लेकिन फिर भी आपने एक बात कही शिव जी की, 40+ के आप खिलाड़ी हैं, हाँ, तो खेल में 40+ के बाद आमतौर पर ये कहा जाता है कि अब खेल खत्म हो गया, एक उम्र हो गई है, आप नहीं खेल पाएंगे, तो ये 40+ पे खेलना आपने कैसे शुरू किया, क्या शुरू से खेलते रहे हैं? हाँ, शुरू से ही हम खेलते आए हैं, 95 से ही हम खेलते आए हैं जी, उसके पहले भी स्कूल लेवल खेलते थे, 95 में जब मैट्रिक पास किया मैं, और उसके बाद में खेल से मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था जी जी, फिर 95 पास करके हम गुमला में सेलेक्शन, मैंने ई में चले गए सेंटर में, अच्छा गुमला सेंटर में, गुमला सेंटर एथलेटिक सेंटर, एथलेटिक सेंटर गुमला जी जी, वहाँ फिर प्रयास मैंने किया, वहाँ से नेशनल में मैं पार्टिसिपेट किया वहाँ से जी, फिर वहाँ से मैं 99 में वहाँ से निकल पड़ा मैं बंगाल के लिए, अपना जहाँ हमको रुचि लगे, मैंने अच्छा प्रैक्टिस करे और हम कह दिया मैंने बने मेरा अच्छा से जी, तो चला गया वहाँ से बंगाल से, फिर रजिस्ट्रेशन कराया, तो 2001 में फिर ओपन इंटरनेशनल मलेशिया में, अंडर 19 मैंने ई में मलेशिया में खेलने मिला, अच्छा चांस, उसमें मेरा मेडल लगा जी। अब अजय जी के पास आते हैं, अजय जी आपने बताया शूटिंग में आप शूटिंग से शुरू से ही जुड़े रहे हैं, कैसे इस ओर आना हुआ शूटिंग खेल? वैसे तो झारखंड में काफ़ी पसंद है, यहाँ के काफ़ी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं, आपने भी बताया कि आप राष्ट्रीय स्तर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खेल रहे हैं, तो इस ओर रुझान कैसे हुआ, क्या आपके घर परिवार में कोई खेलते थे या इसके प्रति इंटरेस्ट कैसे आया? मैम, मेरे नानी घर में तालाब है जी, वहाँ सुबह सुबह मछली को हम लोग मारते थे एयरगन से, अच्छा एयरगन से मछली, हाँ, तो मारते थे, तो समय मेरे मामा जी बोलता है यार तेरा निशाना बहुत अच्छा है, तो जब भी मारते तो गोली मिस नहीं करता जी, तो बोले चलिए ठीक है, फिर जब रांची आया तो पता चला कि यहाँ शूटिंग होता है, उस समय उतना ज्ञान नहीं था, तो मैंने बात किया, उसके बाद रांची डिस्ट्रिक्ट शूटिंग संदेश मोहन ठाकुर जी चलाते थे जी जी, उनके पास जाके ज्वाइन किया, उसके बाद वहाँ से यानी निशाना ठीक ही था और वहाँ से आगे बढ़ते ही गए जी, और जे बी मालवंकर नेशनल वगैरह खेल चुके थे, अच्छा, और अच्छा लगा, मगर मालूम नहीं था केवल प्राइज मिलता था जी, कैसे वार्ड वगैरह नहीं मिलता था, तो इसलिए उतना इंटरेस्ट नहीं था हमको जी जी, अब जब से स्टेफन वगैरह मिलने लगा, हाँ हाँ, तब से मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस और समय भी देता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ, और किसी को किसी तरह का अगर जानकारी नहीं उसे भी बता देता कि स्टेप तो आप जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि आप घर में प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियाँ की हैं, क्योंकि शूटिंग के इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे आते हैं, आम खिलाड़ी के वश में मुश्किल होता है, तो कैसे आपने इसकी तैयारियाँ की? मैम, घर में जो आपका अल्बेस्टर या चदरा यानी कि सेकंड हैंड किसी से मैंने लिया था, अच्छा, और उसे ऊपर में शेड बनाया, शेड बना के, और उसमें एक पुराना पुली था जो मशीन आता है जी जी, एक दोस्त से ही मांगा था, बल्कि आप तो नहीं कर रहे तो मेरे को दे दो, तो बोला यार ले जाओ मैं तो नहीं कर रहा, तो मैं उसे मांग के लगाया, और सुबह में और शाम में रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, और खिलाड़ी को परफेक्ट तभी बनता है खिलाड़ी जब वो रेगुलर प्रैक्टिस में रहता है। शिव जी, आपने बताया आप दो तीन इवेंट में, एथलेटिक्स के बारे में भी बताया, शूटिंग में भी आप हैं, ट्रिपल जंप में भी हैं, ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में ही है, एथलेटिक्स के तहत ही आता है जी, तो आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आप ACB में भी हैं, हाँ, और वहाँ की चुनौतियाँ हैं और खेल की चुनौतियाँ हैं, कैसे मैनेज होता है? चुनौती तो सबसे पहले पिताजी जो थे जी स्पोर्ट्स के मामले में मेरे पीछे बहुत ध्यान दिए थे, तो चाह रहे थे कि ओलंपिक तक जाए मेरा बेटा जी ना, और गुणवा में तैयारी भी कर रहे थे, तैयारी हाँ। सरवर इमाम सर मेरे कोच रहे थे, सरवर इमाम जी, हाँ। जी हाँ। बंधन सर एक थे, वो भी कोच थे मेरे जी, तो मेरे साथ अच्छे अच्छे कोच रहे, अच्छे अच्छे ही भी रहे, और प्रयास भी रहा मेरा,
तो फिर जब जूनियर इंटरनेशनल जो खेल मलेशिया में जी, उससे मेडल जब प्राप्त, गोल्ड मेडल मारे था, लगा था मेरा, तो बंगाल तरफ से हम रजिस्ट्रेशन कर उधर से चले गए थे खेलने। जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ, आर्मी में मेरे जॉब मिला 2002 में। अच्छा। तो मैं आर्मी बिहार रेजिमेंट में हम ज्वाइन किए। अच्छा। तो फिर दिल्ली में कुछ दिन मैंने पोस्टिंग है, वहीं पर मैंने ट्रेनिंग नहीं हुई थी, कैंप में आर्मी के कैंप में तैयारी चलने लगा था अपना, वहीं पर कैंप लगा हुआ था। तो पापा बोल रहे, पापा फिर बोल रहे सही नहीं लग रहा है यार ये जी। तुम अभी अभी तुम तैयारी आगे करना ही करना है। तो हम लोग पापा रहने दिया जाए ना हमको, कुछ दिन हम देख लेते हैं जी। तो इसी बीच में हमको भी फिर लगे यहाँ पर तो आर्मी में ठीक है, हमको आगे के लिए बेस्ट नहीं हो पाएगा जी। फिर कलकत्ता रिटर्न आ गए, एथलेटिक्स सेंटर हम। अच्छा। कलकत्ता में ना ये बनर्जी सर थे, ये चित्तू बनर्जी सर थे, अजय सर थे, ऐसे करके बहुत सारे ये थे, तो उनके अंडर में प्रैक्टिस करने लगा मैं जी ना, उनके अंडर प्रैक्टिस किया। तो फिर यहाँ पर 2004 में आपका वहाँ पर ही हुई कैंप लगी। अच्छा। इंडिया कैंप जी। तो वहाँ पर 100 मीटर में मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा जी जी। तो अच्छा प्रदर्शन रहा, तो वहाँ भी गोल्ड मेडल मिला मेरा ई में जी। तो फिर सर बोले तुम लग जाओ इसमें अब, मतलब हीरे की परख हो हाँ, गई जी, लग जाओ। तो इसी बीच में स्टेट पुलिस की वैकेंसी निकली 4 में। अच्छा। यहाँ पर झारखंड में जी जी। तो पापा बोले यार एज पार हो जाएगा तुम्हारा, तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ पुलिस में घुस जाओ, पुलिस में भी प्रेफरेंस मिलता है जी जी ना। और मैं 4 के विज्ञापन में आया तो बोकारो में मेरी बहाली हुई। बहाली में भी अच्छा प्रदर्शन, मेरा नंबर टॉप में आए थे हम जी जी। 4:30 मिनट में मैं 1600 मीटर का रन टॉप में आया था मैं। बहुत अच्छा टाइमिंग। तो आर के मलिक सर थे वहाँ पर चेयरमैन तभी जी। तो पीठ ठोके तुम स्पोर्ट्स, तो इंडिया हमको लग चुका था। अच्छा, बिल्कुल। तो इंडिया तो हम इंडिया का गंजी भी पहने हुए थे हम जी। तो बोला यार तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, तुम बहाल हो जाओ। उसके बाद तभी क्या हुआ, एज जो 22 तक ही था स्पोर्ट कोटा का ही था जी। मेरा प्लस एज 23+ चल गया था ना जी। तो कोटा कुछ होता है, बिल्कुल खिलाड़ियों का हाँ, कोटा होता है जी। तो हम बोले सर, फिर बोले इस कोटा में नहीं होगा, लेकिन तुम बाहर हो जाओगे जनरल में तो हाइट भी अच्छा, ये भी अच्छा है जी। और तुम स्पोर्ट्स करोगे जी। उसलिए टेंशन नहीं, कोटा उठा के छोड़ो टेंशन हाँ। मैंने तुम्हें बहाल कर लिया। अच्छा। वहीं पर से ग्रीन कलम से चला दिया, ओके कर दिया ना, तुमको आगे ज्वाइन करना है। तो 28 दिसंबर 2004 में ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग करने के लिए था, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। इंडिया कैंप पटियाला ई में था, मैं हैदराबाद में। अच्छा। मेरे कैंप भी मिल गया, बंगाल सरकार मेरे को बहुत हेल्प किया, वहाँ से मेरे वहाँ से क्लब वाले भी बहुत सारे हमको फैसिलिटी दिए जी जी। और मेरा विश्वास था ओलंपिक खेलेंगे, खेलते जी। जो भी हो, उसके बाद फिर आज फिर ज्वाइनिंग, फिर से ज्वाइनिंग लेटर, फिर इन्हें की ज्वाइनिंग करा, फिर ज्वाइनिंग लेटर फिर से गई। अच्छा, दोबारा हाँ, मौका मिला। फिर अनिल पाल्टा सर चेयरमैन बने बोकारो, उन्हीं के अंडर में थे। अजय सिंह धनवाद के एसपी थे, अनिल पाल्टा सर बोकारो एसपी थे, चेयरमैन वही थे। तो मेरे धनवाद बोकारो ज्वाइन करने के लिए हुआ, तो अनिल पाल्टा सर से बोले सर एक रिक्वेस्ट था, धनवाद में बहुत सारा मेरा ये है, बहुत सारा स्पोर्ट्समैन है, वहाँ से तालमेल मेरा अच्छा, ग्राउंड भी अच्छा अच्छा सर, रेलवे ग्राउंड है, आश्रम ग्राम, ये सब है, और मेरे चाचा जी भी रहते हैं और चाची भी वहाँ रहते हैं, तो हमको सपोर्ट मिल जाएगा सर, तो हमको गेम में आगे सर रुचि है, मतलब ठीक है कर दे रहा हूँ जी, वहाँ पर चल जाना। यानी तो, आपका की शुरुआत जो है झारखंड हाँ, पुलिस के हाँ, साथ हो गई जी। अजय जी इन्होंने तो बताया कि ये झारखंड पुलिस से जुड़े हैं, आप अभी तो शूटिंग से जुड़े हैं, क्या इच्छा है, आप किस तरीके से इस खेल में जुड़े रहना चाहते हैं? क्योंकि एक खिलाड़ी के मन में हमेशा ये होता है कि खेल से उसका लगाव रहे, तो आप किस तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं? खेल से तो लगाव है मेरा, और इसको आगे तक खेलना चाहते हैं, और सरकार कुछ यानी कुछ जी मदद करे, मदद कर दे तो आगे भी चलता रहेगा, और लड़के लोग को भी कुछ बताया जाएगा, जो नए नए लड़के आते हैं उनको बहुत तरह का टेक्निक है जो जिससे कि लड़का आगे बढ़ सकता है जी, आप प्रोत्साहित कर सकते जी, जी। हम लोग तो शुरू से ऐसे ही बगैर कोच के ही बहुत आगे तक बढ़े थे जी, और आज तक हम लोग का वैसा कोई नहीं, एक कोच है जो विभूति जी जी, वो भी लड़का लोग को बहुत मदद करते हैं, गरीब लड़का लोग को मदद करते हैं,
उसके पास भी टेक्निक है, कुछ बताया तो 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट आगे बढ़ गए हम लोग, और अपना प्रैक्टिस शुरू से ही अच्छा रहा। अगर कोई अच्छा कोच मिल जाए तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। द्रोणाचार्य की तलाश है, एक अच्छे कोच की तलाश है आपको। जी जी, झारखंड में क्या वैसे बहुत सारे कोचेज कोच हैं क्या आपको लगता है, जो आपको आपके खेल को और निखार सके? झारखंड में इस तरह का नहीं है, नहीं है। आमतौर पर ये बातें होती हैं कि विदेशी कोच हम भारतीय खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो क्या लगता है कि बाहर से कोच सरकार अडॉप्ट करे, चाहे बुलाए, और आप जैसे खिलाड़ी चाहे और भी जो युवा खिलाड़ी हैं उन्हें प्रशिक्षित करे? करना चाहिए मैम, काहे कि विदेशी कोच वाकई में बहुत ही अच्छे रहते हैं और उनको बहुत अच्छा नॉलेज भी रहता है। जी, और हमारे इंडिया में भी बहुत ऐसे हैं जो कोच जिनको अर्जुना अवार्ड तक मिला है, वो सब भी कोच है, अगर किसी का हाथ धर ले जी तो भी बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और राज्य सरकार की एक खेल नीति है जिसके तहत खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है, आपकी भी आयु सीमा है अभी शायद प्रशिक्षक के रूप में, तो क्या सोचते हैं कि सरकार की नज़र इस ओर पड़े आप जैसे खिलाड़ियों और अन्य खिलाड़ियों के लिए? बेरोजगार खिलाड़ी को तो कम से कम सरकार को चाहिए कि कुछ हो जाए ताकि उनका भी आगे का यानी आगे के लिए कुछ हो जाए, ताकि आगे भी भविष्य सुरक्षित, मैच वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करते रहे और दूसरे बच्चों को भी कराते रहे। जी जी, आने वाली पीढ़ी को जी। भी जी। शिव जी, ये बताइए कि सरकार की खेल नीति के तहत अभी बहुत सारे खिलाड़ियों को नौकरी मिली है, ये खेल नीति खिलाड़ियों के लिए कितना फायदेमंद है? इसमें फायदेमंद है, अभी सरकार अभी जो अभी खेल नीति के द्वारा जो मेरे ख्याल से 42 प्लेयर को अलग अलग इवेंट में सर्विस दिए जी, तो झारखंड में खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ रहा है वो, और अच्छा भी प्रदर्शन भी देखा झारखंड का टीम जो भी जिस इवेंट में जा रहा है अभी जी, तो अच्छा भी रिजल्ट दे रहा है झारखंड में। इस उद्देश्य दे रहा है कि अब सर्विस मिलने लगा ना यहाँ सर्विस में, और ये जो खेल नीति है झारखंड सरकार अभी लाए हैं तो बहुत ही अच्छी है ये, कि इससे कि हर प्लेयर का मनोबल बढ़ेगा कि खेल नीति के दौरान अभी जैसे गोल्ड आया, सिल्वर आया, ब्रॉन्ज आ रहा है जी, तो झारखंड सरकार खेल प्राधिकरण में उसका मेडल सर्टिफिकेट से जमा लेकर उसका वेरीफाई करके तरह तरह का सर्विस देने का घोषणा भी किए हैं जी, और देंगे भी मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, कई खिलाड़ियों को तो कई खिलाड़ी दिए भी हैं जी, और अभी नया किरण में है जी, एज जो है आपका एज जो 18-19 जो भी एज में सरकार का है वो एज में आना चाहिए, उसे उस एज के हिसाब से सर्विस अपना मिलेगा जी। और गवर्नमेंट जहाँ पर पुलिस में दे, सचिवालय में, कहीं पर उसकी मंशा है सरकार की मंशा, जहाँ पर जिसको डाले तो सरकार की मंशा है, ये अच्छी लगी होगी। बिल्कुल। एक और बात, आप एसीबी से जुड़े हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, कैसे वक्त निकालते हैं, क्योंकि खिलाड़ी को पूरा वक्त चाहिए। कई प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो अपने खिलाड़ियों को सालों भर छुट्टी देते हैं कि वो आने वाले इवेंट्स के लिए या नेशनल या इंटरनेशनल के लिए तैयारी करें, तो आपको आपका विभाग कितना वक्त देता है, या छापेमारी के लिए भी आप चलते हैं? नहीं नहीं जाते मैडम, सबसे पहला तो 2005 में मेरा बहुत बड़ा, मैंने नहीं बोला, 2006 में ओपन इंटरनेशनल भी खेला जी, विभाग में रहते हुए। हाँ हाँ। तो डॉक्टर बलजीत पंकज दार थे आपका धनबाद में एसपी साहब, तो मेरे को फ्री छोड़ दिए, लेटर मेरा आया था फ्री छोड़ दिए प्रैक्टिस करो, वो पहले से गुमला में एसपी थे तो मेरे को जानते थे, मैंने और प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए। फिर उसके टास्क फोर्स बलजीत सर आए, तो बलजीत सर मेरे विस्फोट के बारे में सुने, तो बलजीत सर मेरे फ्री छोड़ दिए। ओपन नेशनल हैदराबाद में जी, गेम हुआ लक्ष्य बल्ला बावला स्टेडियम है, उसमें है। हाँ। तो 100 मीटर में जी, आपको उसमें भी चौथा स्थान आया था मेरा जी, जी। तो तैयारी तो था, कोच की कमी थी जी, और वहाँ से समय निकाल के प्रैक्टिस तो कोचिंग नहीं, धनबाद में आईसीएम ग्राउंड विकरण वैसा तो अभी कोच भी नहीं था कोई, तो जो अनुभव मैंने अपना सेंटर में कोच लोग से लिया था, स्वामी मोहम्मद सर से, बंधन सर से, सबसे और चटर्जी सर सब भी में थे, तो वही लोग से मैं कुछ लिया था, तो उसी को अपना शेड्यूल बना के उसी को प्रैक्टिस कर रहा था जी। तो फिर मैं क्या हुआ, बलजीत सर बोले तुम यहाँ पर प्रैक्टिस धनबाद में नहीं होगा, तुम जमशेदपुर या रांची कर लो, ट्रांसफर करवा लो। तो तभी महापात्रा साहब डीजी थे, तो बलजीत सर डायरेक्ट बात किए महापात्रा से, तो शिवदत्त जो बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स कर रहा है, तो
तो इसको आगे करियर के लिए मेरे विभाग के मैंने एक अनुहार लड़का आगे निकलेगा, तो मेरे को बहुत सपोर्ट किए, वो ट्रांसफर करवा के हमको रांची लेकर आए। रांची में फिर भाटिया साहब भेट एसपी साहब, तो आए तो उनसे जाकर फिर हम मिले, सर ऐसे सपोर्ट करते हमको फिर यहाँ चाहिए, बोले बात हो गया है, तुम जाके लाइन में योगदान दो। फिर गया मैं लाइन में, मेजर साहब के अपना योगदान दिया, तो वहाँ पर योगदान देने के बाद बोला तुम ऐसा करो कि किट उट सब लाया, उन्होंने लाया नहीं है, मैंने हम तो डायरेक्ट ज्वाइन करना है, वो ले कर आओ 7 दिन के अंदर तुम ले कर आओ। तो फिर लाइन हम यहाँ पर पुलिस लाइन में रांची में ज्वाइन किया जी। तो मेरे को प्रैक्टिस करने को छोड़ दिया, जो हमसे जूनियर प्लेयर था हाँ। मेरे अंडर में दे दिया, मेरे को कोच बना दिया। अच्छा हाँ। हमको कोच बना दिया, एक सीनियर प्लेयर भी रह गए वहाँ के, कोच भी ले अपने प्लेयर के हिसाब से, यार जो जूनियर नया पुलिस में है अपने साथ भी है ले कर चलो, क्योंकि मैं इंडिया खेल चुका था तो मैं अनुभवी था, मैं कितना प्रैक्टिस करना क्या करना किस हिसाब से करना है ना, फायदा हुआ स्टेट में मेरे साथ जो स्टेट मेरे के लिए, तभी मैं पैर भी डैमेज था। अच्छा। तो अपना प्रदर्शन नहीं देखा, फिर लेके चल रहा था, अपना प्रैक्टिस कर ही रहा था, तो मेरे साथ जितना भी बहुत सारे स्टेट मैंने वहाँ पर सिमडेगा हो गया जो बहुत सारा ही, तो वहाँ टीम लगी, तो टीम में मैं एथलेटिक्स को अपना उस तरह का अपना स्टेट में अच्छा मेडल भी आई। अच्छा। स्टेट जो पुलिस होती है मेडल भी उस साल हुआ। फिर इसी बीच में स्टेट जयपुर में ग्राउंड है जी, वहाँ स्टेट में फिर एक बार फिर दूसरे में हुआ 2008 में जी। तो वहाँ पर मैं बहुत, उधर से राजकमल करके मेरे साथ स्पोर्ट्स में थे रांची जिला से। अच्छा। तो बाइक में उन्हें बाइक ली थी, उसको बाइक में पीछे हम बैठे, हादसा हो गया, हादसा हो गया, मेरे पैर ट्रक के नीचे ये चल गई जी जी। तो ट्रक यहाँ पर मेरे पैर में ही हो गया, तो वहाँ पर फिर अमित मुखर्जी सर के पास आए, तो लंबा गैप हो गया, लंबा 10 साल गैप हो गया जी, गैप हो गया। तो फिर कमबैक करना खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल होता है, एक खिलाड़ी का को अगर 10 साल का गैप मिलता है तो वापस से उसी स्टेमिना के साथ मैदान में उतरना, क्योंकि आप उतरे हाँ। हैं, कितना मुश्किल होता है? मुश्किल मैम, मुश्किल तो होता ही है, खिलाड़ी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ी बात जी, उसको चाहने पर है ना जी। अपना इच्छा को जगाना, वहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। मेरा 2014 में छोटा पिन रड घुसा होता, तो फिर 2014 में मेरा रड निकल गया जी, ये मैं घर में सिर्फ पापा को पता था जी। और मम्मी के सब को नहीं बताया था, कारण मम्मी हमेशा चिंतित रहते थे, तो ज्यादा हम पापा को पता थी, मेरे बारे पापा को हर चीज पता था जी जी। तो पापा फिर बोलते थे क्या हुआ, रड निकलेगा फिर से खेलना, उन्होंने पापा तो अब तो ये हो गया है जी। तो 2015 में हम लोग ऑफिसर का ट्रेनिंग होता है, एएसआई के लिए ट्रेनिंग होता है, तो पीटीसी पद्मा में ट्रेनिंग किए हजारीबाग, हजारीबाग में, तो वहाँ पर ट्रेनिंग करने चालू कर दिए, तो अपने आप को फिट महसूस होने लगे ना जी। वेट भी मेरा ज्यादा काफी हो गई थी जी। फिर कमबैक हाँ ये किए, तो फिर उधर से आए, तो मास्टर हमको पता मना चला था कौन करवाए क्या करवाया है, फिर वहां से फिर आए तो हम रुके नहीं, वॉक तो पहले से करते थे, फिर अच्छे से रनिंग करने लगे, पुराने प्लेयर जितना सब संपर्क करने लगे जी। गेम के बारे में रुचि लगने लगे, तो बोले गेम से उतरने के पहले तो अपना तैयारी कुछ करना ना होगा जी, जी। तो 2017 में नारायण साहू मास्टर गेम्स चलाते थे, 2017 में स्टेट हम ट्रायल दिए, स्टेट में सब इवेंट में गोल्ड में आया, टोटल इवेंट में गोल्ड आया जी। तो नारायण साहब बोले अरे ये तुम तो मैंने कहाँ था तुम छिपा हुआ जी। यहाँ पर हम सर हमसे खेल उन नहीं होगा, यहाँ तो मार दिया नेशनल में मेरा मेडल उन्होंने लगा जी, जी। तो 2018 में फिर नेशनल में हुआ फरवरी में, तो बेंगलोर में जी। तो हुआ गया थोड़ा ही मेडल लग गया मेरी, यानी आपको मौका मिलता रहा हाँ, मेडल लग गया, तो वहाँ पर हौसला बुलंद हो गया फिर जी, ना हाँ। 2019 में ये मेडल लग गया जी, और 2019 में लगने फिर हम एशियाड खेलने गए मास्टर गेम्स का जी हाँ। फिर उधर से जब आए तो आसिम विक्रांत सर थे हाँ, आसिम विक्रांत हाँ, जी हाँ। हम ऐसे अपना बेसिक ट्रेनिंग जो पुलिस होता है तो उसमें शूटिंग में मेरा कभी मैंने मिस फायर नहीं हुआ है, अच्छा नंबर से मैंने पास हुए, और अभी बेसिक अफसर का जो ट्रेनिंग हुआ हजारीबाग में अभी उसमें भी मेरा अच्छा लगा बिल्कुल। तो मीन सर वो क्या अभी आईजी है बोकारो के मीन सर जी, तो उनका क्या हुआ था बोला शूटिंग करो सुविधा एक बार शूटिंग करो उसको भी लेके चलो ना हाँ, यानी दोनों गेम साथ हाँ, में लेने का। फिर मास्टर वो एथलीट को था, मास्टर अलग है, गेम्स जो है ना ओलंपिक के बराबर है जी बिल्कुल, एज ग्रुप में ओलंपिक के बराबर है, टोटल गेम इसमें है जी हाँ, सारे गेम ओलंपिक सारे गेम है। तो मैं इसमें रुचि लिया और रुचि लिया, उसके बाद अपना गन लिया, मैंने अपना छत में अपना प्रैक्टिस करा, ऐसे भी शौक था कहीं मेला उलम जाते थे तो शूटिंग करते हाँ, शूटिंग करते रहते थे, उसमें मौका मिला। और फिर स्टेट में यहाँ पर
ये किया तो फिर तो नेशनल के लिए मौका मिल गया हमको 2020 के लिए। आप दोनों का अजय जी और आप दोनों मेरा परिचय इससे अभी हाँ अजय जी आप बताएं कि आपकी इनसे मित्रता कैसे हुई, कैसे आप लोग दोनों प्रैक्टिस करते हैं, कितना कोऑर्डिनेशन बनता है आप दोनों में? हम लोग मास्टर गेम में ही मुलाकात हुआ था जी शिवदत्त जी से और ये एथलेटिक्स करते थे, तो एक दिन ये मेरे पास आया तो बोले यार चलो मैं एक रेंज ले जाता हूँ 10 मीटर रेंज में, वहाँ शूटिंग मैं कर रहा था तो बोला दो चार गोली फायर कर लो, तो फायर किया तो ठीक ठाक रहा, तो बोला यार इसको भी लेके चल जी, चलो एक लिए एक साथी भी रहेगा अच्छा भी रहेगा, तो फिर दोनों हम लोग प्रैक्टिस रेगुलर करते रहे जी। और उसी का यानी कि है कि सफलता मिली हम लोग को बिल्कुल, और वहाँ ये ब्रॉन्ज मेडल उठाए और एक गोल्ड उठाए जी। बहुत बहुत अच्छी उपलब्धियां रही आप दोनों की, और जिस तरीके की आप दोनों की जोड़ी है, भले अलग अलग इवेंट में भी रहते हैं साथ भी रहते हैं, लेकिन आप दोनों वैसे खिलाड़ियों के लिए झारखंड के या देश के वैसे खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन है जो ये सोचते हैं कि एक उम्र के बाद खेल चुक गया, वो आप इन दोनों खिलाड़ियों से प्रेरणा लें, विशेषकर शिव जी से क्योंकि ये 40+ हैं, आप तो अभी काफ़ी उनके मुकाबले कम उम्र के हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लगातार शानदार प्रदर्शन करते रहें, और हम इनके भविष्य के लिए भी उम्मीद करेंगे कि अजय जी आप शूटिंग में और पदक हासिल करें, देश को और गौरवान्वित महसूस करें, और शिव कुमार जी आप लगातार डिपार्टमेंट को भी पदक दें और हम सबको भी मौका दें कि इसी तरह हम फिर बातें करें आपकी उपलब्धियों पर। आप दोनों स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी और लोगों को अवेयर किया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, धन्यवाद।